उत्तर प्रदेश इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर का डटकर सामना कर रहा है और इससे निपटने के लिए कोविड टीकाकरण का अभियान प्रदेश में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसे सफल बनाए जाने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने प्रत्येक व्यक्ति के टीकाकरण के लिए कई स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण कैंपों की स्थापना भी की गई है। इसी कड़ी में यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनहट को वर्तमान में कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है और स्वास्थ्य केंद्र ने टीकाकरण के लिए सुमांकर इंस्टीट्यूट मल्होर स्टेशन गोमती नगर लखनऊ के अंदर टीकाकरण कैंप की स्थापना की है। इस कैंप में आने वाले लोगों के टीकाकरण के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ विशेष सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है, जिससे कि यहां पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। इसी के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनहट वर्तमान में संचालित कोविड अस्पताल के स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ब्रजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि टीकाकरण कैंप पर विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। इसी के साथ ही सरकार से मिलने वाले निर्देशों और समय समय पर जारी होने वाले शासन आदेशों के मुताबिक बराबर टीकाकरण का काम किया जा रहा है। साथ ही बताया कि जिन लोगों को दूसरी डोज लगनी थी उसके समय में सरकार ने बदलाव कर दिया है। पहले ये डोज 6 से 8 हफ्ते में दी जानी थी, जिसका समय बदलकर अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। इस वजह से लोग पुरानी समय सारणी से दूसरा डोज लेने जरूर आ रहे हैं, लेकिन समय में बदलाव के चलते उनका टीकाकरण फिलहाल नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसके लिए लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दूसरे डोज के समय से संबंधित बदलाव की सूचना जरूर भेजी जा रही है। वहीं 45 वर्ष वाले लोगों को मौके पर ही रजिस्टर्ड कर टीकाकरण किया जा रहा है और लोगों को हर संभव सुविधा देने का प्रयास लगातार जारी है। परेशान है वो चीज़ें जो है उसकी आखिर क्या मतलब कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है? सर इसमें दिक्कत ये आ रही है कि ऊपर से जैसा भी शासन आदेश और गाइडलाइन चलती है वैसा हम लोग काम करते हैं और रह रह करके समय समय पे जो है जैसे डेट बढ़ाए जा रहे हैं उसको वहाँ से अपडेट कर दिया गया है, तो डेट आज की शो नहीं कर रही है, इसलिए हम उनका वैक्सीनेशन आज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस पर नॉट डेट कम्प्लीटेड लेकर के आ रहा है, क्योंकि 12 हफ्ते से 16 हफ्ते कर दिया गया। तो मतलब नॉर्मल में ये कहाँ से ये प्रॉब्लम मतलब ये खड़ी हो रही है कि जैसे जो डेट में उनके कार्ड पे तो कुछ और डेट दिखा रहा है लेकिन जब आदमी सर कार्ड पे जो है पहले की गाइडलाइन थी कि 6 हफ्ते से 8 हफ्ते देना है, तो उन्होंने 6 हफ्ते के बाद की डेट दिया था, अब जो है हो गया है कि 12 से 16 हफ्ते की डेट देनी है, तो उसको जो है जिन लोगों के मोबाइल नंबर वहाँ रजिस्टर्ड थे सबको अपडेट कर दिया गया। अच्छा, जिन लोगों के नहीं रजिस्टर्ड थे वो लोग मतलब प्रॉपर वे में यहाँ पहुँच रहे हैं उस चीज़ों को लेकर? नहीं, रजिस्टर्ड तो हैं उनके लेकिन उनको सूचना नहीं हुई, तो वो अपने डेट पे आ रहे हैं जो हमने डेट दिया था, लेकिन जब हम लोग वेरीफाई के लिए डाल रहे हैं तो उसमें दे रहा है कि नॉट कम्प्लीटेड। अच्छा, यहाँ पर वैसे टीकाकरण आपका कैसे क्या है किस हिसाब से जैसे? और बाकी 45 प्लस वालों का ऑन स्पॉट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और तुरंत वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं और 18 से 44 का स्लॉट आज से हम लोगों को मिला हुआ है, जिसको कि हम लोग जो है वहाँ पे जो है करा रहे हैं 300 का था और चल रहा है। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ अमिताभ चौबे, जनमत न्यूज़ लखनऊ।